नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के 14 आईएएस अफसरों का हुआ प्रमोशन, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक नहीं लिया सुरक्षा का डोज। ओमिक्रॉन अलर्ट के बीच बिहार में बढ़ रहे हैं एक्टिव मामले, कोसी क्षेत्र व पूर्वी बिहार के लोगों के लिए है गुड न्यूज, मांझी ने मद्यपान को बताया फायदेमंद। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक नहीं लिया है सुरक्षा का डोज। बिहार में कोरोना की संभावित लहर से लोगों को बचाने के लिए सरकार आसान से आसान तरीकों के जरिए वैक्सीन मुहैया करा रही है, लेकिन सिर्फ सरकार की सजगता ही नहीं, लोगों की जागरूकता भी अहम है, जो कि बिहार में इन दिनों दिख नहीं रही है। बताते चले कि नए वेरिएंट को लेकर सभी राज्य सरकारों को अलर्ट रहने को कहा गया है, लेकिन कई लोग जानते समझते हुए भी टीका लेने में कोताही कर रहे हैं। अब केंद्रीय परिवार व कल्याण मंत्रालय के नियमित डाटा से पता चला है बिहार में ऐसे लापरवाह लोगों की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 1,77,09,338 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, जो कि लोगों की बड़ी लापरवाही है। हालांकि आपको बता दें कि सिर्फ बिहार ही नहीं, और भी कई राज्यों में ऐसे लापरवाह लोग बैठे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 3.05 करोड़, महाराष्ट्र में 1.43 करोड़, तमिलनाडु में 1.09 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का टीका नहीं लगा है। शिवदीप लाने ने बिहार में डीआईजी प्रशासन की संभाली जिम्मेदारी। बिहार में अपनी कार्य सेवा देने के लिए शिवदीप लांडे को राज्य में उनकी नई जिम्मेदारी मिल गई है। इसके तहत आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे को डीआईजी प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत पुलिस मुख्यालय ने उनकी प्रतिनियुक्ति का भी आदेश जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी आदेश के तहत अब वे अगले आदेश तक डीआईजी प्रशासन के पद पर ही तैनात रहेंगे। बताते चले कि बुधवार को ही उन्होंने पुलिस मुख्यालय में अपना योगदान भी दिया था। अपने पिछले कार्यकाल में बिहार में उनके काम का जो बोलबाला था वह अब भी ताजा है। ऐसे में इस कार्यकाल में भी उनसे काफी उम्मीदें की जा रही है। बताते चले कि पिछली बार 14 नवंबर 2016 को बिहार सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र भेज दिया था, जिसके बाद अब 5 सालों के बाद वे बिहार लौटे हैं। सरकार ने विधि पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीख। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में विधि पदाधिकारियों के 65 पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है। इसके तहत अब 24 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर तक ही थी। इसे लेकर बीते दिन सरकार के विधि विभाग की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बताते चले कि पटना हाईकोर्ट में विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर निकाले गए विज्ञापन के अनुसार अपर महाधिवक्ता के 10 पदों, राजकीय अधिवक्ता के 15 पदों, सरकारी वकील के 20 पदों और स्थायी सलाहकार के 20 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसके तहत पटना हाईकोर्ट में सरकार व इसके पदाधिकारियों का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ताओं के पैनल बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। बिहार के 14 आईएएस अफसरों का हुआ प्रमोशन, बिहार के प्रशासनिक महकमे में बड़ी फेरबदल की गई है। इसके तहत 11 डीएम समेत 14 आईएएस अफसरों को बड़ा प्रमोशन दे दिया गया है। इसके तहत इन सभी 14 आईएएस रैंक के अफसरों को अपर सचिव के रैंक में प्रोन्नति दे दी गई है। अपर सचिव में प्रमोशन होने वालों में वर्ष 2012 बैच के अफसर और सहरसा के डीएम कौशल कुमार, पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार, शेखपुरा के डीएम इनायत खान, बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा, सीतामढ़ी के डीएम सुनील कुमार यादव व मधुबनी के डीएम अमित कुमार शामिल है। तो वहीं वर्ष 2013 बैच के आईएएस अफसर और नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह, गोपालगंज के डीएम नवल किशोर चौधरी, भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन, पथ निर्माण की संयुक्त सचिव शैलदा शर्मा, रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार, कैमूर के डीएम नवदीप शुक्ला, श्रमायुक्त रंजिता व सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव आनंद शर्मा को भी अपर सचिव में प्रोन्नति दी गई है। ओमिक्रॉन अलर्ट के बीच बिहार में बढ़ रहे हैं एक्टिव मामले, देश भर में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट है। इस बीच बिहार में अचानक से रोज मिलने वाले कोरोना केसों की संख्या में थोड़ी वृद्धि देखी गई है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों में बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 14 मरीज तो अकेले पटना जिले के ही हैं, जबकि बेगूसराय, नालंदा और गया जिले से एक एक मरीज की पुष्टि हुई है। इस दौरान 3 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 49 हो गई है। बात अगर रिकवरी दर की करें तो यह 98.33% हो गया है। कोसी क्षेत्र व पूर्वी बिहार के लोगों के लिए है गुड न्यूज, कोसी क्षेत्र और राज्य के पूर्वी हिस्से में रहने वाली बड़ी आबादी के लिए एक अच्छी खबर है। वीरपुर बिहपुर एनएच 106 पर 15 दिसंबर से नदी पर पुल निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। बताते चले कि विश्व बैंक ने 136 किलोमीटर लंबे वीरपुर बिहपुर एनएच 106 के निर्माण का खर्चा 2002 में उठाया था, जिसके बाद वीरपुर से फुलौत तक सड़क निर्माण कराने के बाद विश्व बैंक की तरफ से
काम पूरा नहीं किया गया। इस कारण 30 किलोमीटर तक सड़क व पुल निर्माण कार्य रुक गया था, लेकिन अब इस मिसिंग लिंक के काम को 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा, जिसका शिलान्यास पिछले साल ही हो गया था, जिसके तहत मधेपुरा जिले के फुलौत से भागलपुर के बिहपुर तक 28.91 किलोमीटर मिसिंग लिंक बनेगा। साथ ही कोसी नदी पर 6.93 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। यह काम मुंबई के एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी करेगी। इसके निर्माण पर 1,478.4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बन जाने से इस क्षेत्र में परिवहन आसान हो जाएगा। तेजस्वी यादव की शादी पर सीएम नीतीश समेत बिहार भाजपा ने दी बधाई। बीते दिन बड़े ही गुपचुप अंदाज में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में चट मंगनी और पट ब्याह कर लिया और मीडिया व बड़े आयोजनों से दूर पारिवारिक लोगों के बीच सादे अंदाज में अपनी बचपन की दोस्त रचिल से शादी रचा ली। यह विवाह समारोह इतने ज्यादा गुपचुप तरीके से हुआ कि इसकी जानकारी खुद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को भी ना थी। हालांकि बिहार के राजनीतिक गलियारों से भी तेजस्वी यादव को उनकी नए जीवन की पारी शुरू करने के लिए बधाई दी गई है। इस क्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि समाचारों के माध्यम से उन्हें गुरुवार को तेजस्वी यादव के परिणय सूत्र में बंधे जाने की जानकारी मिली। साथ ही उन्होंने दोनों को ही हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं बिहार भाजपा खेमे से भी तेजस्वी यादव को उनके सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गई। साथ ही वीआईपी प्रमुख और मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने भी तेजस्वी यादव को बधाई दी है। राजगीर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का सीएम करेंगे उद्घाटन। कल यानी कि शनिवार को राजगीर में स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयुर्वेद पर्व शुरू होने वाला है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। बताते चले कि यह आयोजन 3 दिनों तक चलने वाला है। बता दें कि 3 दिनों के पर्व में देश भर से 1500 आयुर्वेद विशेषज्ञ शामिल होंगे। इनमें कुछ विशेषज्ञ नेपाल व अन्य देशों से भी आएंगे। तो वहीं इस आयुर्वेद पर्व का मुख्य आकर्षण योग प्रदर्शनी और प्रमुख दवा कंपनियों का स्टॉल होगा, जहां दवा प्रदर्शनी का उद्घाटन भी सीएम ही करेंगे। इसमें अलग अलग बीमारियों का योग के माध्यम से निदान का भी प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में आयुर्वेद की महत्ता काफी ज्यादा बड़ी है और लोग भी कई आयुर्वेदिक नुस्खे से अपनी शारीरिक मजबूती को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते नजर आए। ऐसे में यह लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। बिहार कांग्रेस को झटका देंगे सदानंद सिंह के बेटे। बिहार में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे दिवंगत सदानंद सिंह के ही बेटे अब यहां कांग्रेस को एक के बाद एक झटके देते नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, फिर जदयू को ज्वाइन करने की सुगबुगाहट तेज की और फिर अब कांग्रेस के लिए बड़ी बात कह दी है। एक निजी अखबार से बात करते हुए दिवंगत सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश ने जदयू को लेकर कहा कि जो दुख में आपके साथ शुरू से खड़ा रहा हो और हमदर्दी उसके लिए हमदर्दी और साथ देना तो बनता है। कांग्रेस छोड़कर जदयू में जाने की एक वजह यह भी है। वहीं उनसे यह सवाल किया गया कि उनके साथ और कितने नेता या फिर कार्यकर्ता जदयू में शामिल होने वाले हैं, तो इस पर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बात 12 दिसंबर को पता लगेगी। हर एक चीज का खुलासा यदि अभी हो जाएगा तो वो बात नहीं रहेगी। इस बयान से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कुछ और साथी उनके साथ छोड़ सकते हैं। एमएसपी कानून और खाद संकट को लेकर बरसी पप्पू यादव। बीते दिन एमएसपी को लेकर जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने समिति गठन की बात की, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार समेत अन्य राज्यों के किसान खाद की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इन सब के बीच पप्पू यादव ने एमएसपी कानून और खाद संकट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत बीते दिन एमएसपी कानून और खाद के संकट को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत के तहत उन्होंने कहा कि बिहार को एमएसपी कानून की जरूरत है। बिहार के किसानों के हालात दयनीय है। बिहार में उद्योग के नाम पर सिर्फ खेती है। हमारी मांग है कि सरकार किसानी को उद्योग का दर्जा दे दे। बिहार में मंडी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, साथ ही किसानों को सही समय पर खाद और बिजली की उपलब्धता केंद्र सरकार कराए। पप्पू यादव ने कहा कि आज एमएसपी पर कानून की सख्त जरूरत हम किसानों को है। मांझी ने मद्यपान को बताया फायदेमंद। राज्य की नीतीश सरकार एक तरफ जहां शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के हजारों जतन कर रही है, तो दूसरी तरफ एनटीए में ही इसका विरोध शुरू हो जा रहा है और इस विरोध के स्वर को किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ऊंचा किया है। उन्होंने शराबबंदी को लेकर हाल ही में लंबे चौड़े बयान दिए हैं, जिसमें साफ पता चल रहा है कि वे इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर दवा के रूप में शराब का सेवन हो तो यह फायदेमंद है। हाल की कार्रवाई में सिर्फ छोटी मछलियों को ही पकड़ा जा रहा है, मगर बड़े बड़े धंधेबाज गिरफ्त में नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में सरकार का फर्ज है कि पहले उन लोगों को पकड़ा जाए। इस दौरान मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को शराबबंदी पर फिर से सोचने और समीक्षा करने की भी नसीहत दी डाली। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कहा कि इस मुद्दे पर उनका सरकार से मतभेद जरूर है, लेकिन मनभेद नहीं है।
अब कांग्रेस प्रवक्ता ने की जाप के विलय का दावा। जन अधिकार पार्टी टूट सकती है और यह पूरी तरह कांग्रेस का हिस्सा बन सकती है, ऐसे कई खबरें उपचुनाव के समय से ही निकल कर आ रही थी। इसे लेकर कांग्रेस का कोई रिएक्शन नहीं था, मगर अब कांग्रेस प्रवक्ता ने भी इस बात को लेकर बड़ा दावा किया है। बिहार में कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने यह दावा किया है कि जल्द ही पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस में होगा। इसके तहत उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी का जल्द ही बिना शर्त कांग्रेस में विलय होगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से आए बयान के बाद से कई तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं। अपनी शादी की बात सुनकर शर्माने लगे चिराग पासवान। प्रदेश में इन दिनों शादी का मौसम है और इस बीच तेजस्वी से उम्र में बड़े और युवा आइकॉन चिराग पासवान की शादी को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। इस बीच राजद नेता अनिल साधु पासवान के घर उनकी बेटी अनुराज एवं दामाद राजकुमार राज की शादी की सालगिरह के अवसर पर पहुंचे चिराग पासवान से जब उनकी शादी के बारे में पूछा गया तो वे अपनी शादी की बात कहने से ही शर्मा गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि माफ कर दीजिए, आप हमसे राजनीतिक सवाल पूछ लीजिए। हालांकि अनिल साधु ने शादी कराने की बात कही और धूमधाम से बारात ले जाने की भी बात कही है। अब देखना है कि चिराग की शादी कब होती है। शादी के बाद प्राइवेट हेलीकॉप्टर से रवाना हुई विक्की कैट की जोड़ी। शादी के सीजन में बॉलीवुड से अगर कोई मोस्ट अवेटेड और सस्पेंशन वाली बात थी तो वह थी विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी, क्योंकि यह बेहद ही सस्पेंस के साथ हुई। हालांकि बीते दिन ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हो गई, जिसके बाद सभी ने इस खूबसूरत जोड़ी को शादी के बंधन में बनते देखा। तो वहीं अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह जोड़ी प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जाते हुए देखा गया। सवाई माधोपुर से विक्की और कैटरीना की कुछ फोटोज और वीडियो सामने आए हैं जिनमें दोनों ही हेलीकॉप्टर में बैठते दिख रहे हैं। वहीं फोटोग्राफर मानव मंगलानी के मुताबिक विक्की और कैटरीना फिलहाल सवाई माधोपुर से जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। कोहली से कप्तानी छीनने के बाद सौरभ गांगुली का आया बड़ा बयान। वनडे अंतर्राष्ट्रीय से भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली से छीन कर रोहित शर्मा को देने के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली का बयान आया है। सौरभ गांगुली ने कहा कि यह फैसला बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने मिलकर लिया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने विराट कोहली से निवेदन किया था कि वह T20 अंतर्राष्ट्रीय की कप्तानी ना छोड़े, लेकिन कोहली इस बात से सहमत नहीं हुए। चयनकर्ताओं को टेस्ट क्रिकेट और वनडे के लिए एक कप्तान और 2020 क्रिकेट के लिए अलग कप्तान का आइडिया सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने विराट कोहली से इस बारे में बात भी की और चयनकर्ताओं ने भी उनसे बात की थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी से क्या उनके राजनीतिक करियर पर कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।